हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट 4 कवर करने जा रहे हैं। एक बार फिर से आपके SI एग्जाम की बात करेंगे। टेंटेटिव डेट आ चुकी है, यानी कि आप एग्जाम, आप सभी को पता है कि मार्च के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हमारे पास फिर से हमें टाइम का पता लग गया है, टाइमलाइन हमारे सामने आ चुकी है। एक बार हम फिर से स्पीड को यहाँ पर इंक्रीज करेंगे। जहाँ तक बात थी, हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टार्ट करा हुआ था। देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, एक एक वीडियो में एक एक कंटिनेंट पूरा कवर करेंगे और कंटिनेंट्स को हम शॉर्ट वे में जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट करके एक ही वीडियो में खत्म करेंगे एक एक कंटिनेंट को। जैसे सारे कंटिनेंट कवर हो जाएंगे, बाकी जितना भी पोर्शन बच जाएगा, अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करते हैं, चाहे उसमें एटमॉस्फेयर वाला टॉपिक हो गया, चाहे उसमें लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स हो गए, इन सभी को मैक्सिमम दो वीडियो में कवर कर देंगे। तो इसका मतलब आने वाले, आप मान के चल सकते हो कि एक हफ्ता आपको और लग जाएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में, आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो हम इसी स्पीड से आगे चलेंगे, अब अच्छी स्पीड लेकर चलेंगे। और साथ ही साथ बाकी आपको सभी को पता होगा, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, उन प्लेलिस्ट में जाके आप बाकी सभी वीडियो जाके आराम से देख सकते हो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, हम अफ्रीका कंटिनेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम जो हमारे पास एशिया वाला कंटिनेंट है वो पूरा कवर कर चुके थे, आज हम अफ्रीका स्टार्ट कर रहे हैं। अफ्रीका की जहाँ तक बात करते हैं, ध्यान से समझ देना, शॉर्ट में लाया हूँ लेकिन सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका कंटिनेंट की बात करें, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा किसे डार्क कंटिनेंट कहा जाएगा। हालांकि ऐसा क्वेश्चन पूछना भी लगता है कि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी डार्क कंटिनेंट किसे कहा जाता है, वो अफ्रीका को कहा जाता है। डार्क कंटिनेंट अफ्रीका को क्यों कहते थे, क्योंकि भाई अफ्रीका जो पहले यूरोपियंस थे, जब वो यहाँ पर आए थे, कई सारी जगह पर यहाँ के एक्सप्लोर नहीं करी गई थी, इसलिए इसको डार्क कंटिनेंट कहा जाता था। एक और नाम है अफ्रीका कंटिनेंट की बात करेंगे, इसे मदर कंटिनेंट भी कहा जाता है। मदर कंटिनेंट का आप सभी को पता होगा, इसको मदर कंटिनेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि मतलब कहा माना जाता है कि सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस थी वो यहाँ पर रहा करती थी, तो सभी कंटिनेंट्स की मदर इसको बना दिया, तो अफ्रीका को मदर कंटिनेंट भी कहा जाता है। ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन जो अफ्रीका की है वो आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम अफ्रीका की बात करेंगे, आपको हमने पहली वीडियो में ये सब बताया था, कंटिनेंट्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी, वहाँ पर बताया था सबसे बड़ा कंटिनेंट एरिया वाइज कौन सा है, एशिया, एशिया था, और इधर नीचे की तरफ हमें अफ्रीका आता सेकंड नंबर पे। आज हम अफ्रीका के बारे में पढ़ रहे हैं, एरिया वाइज सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, भाई अफ्रीका आता है। और अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से बात करेंगे तब भी सेकंड नंबर पे कौन आ जाएगा कंटिनेंट, वो अफ्रीका हमारे सामने आ जाएगा। किसी तरह की यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं है, बिल्कुल बेसिक्स आप आराम से कवर कर लोगे। देखो जो ये वाला सेक्शन है ना, जैसे आपको इंडियन पॉलिटी करवा रहा था, तो वहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा था लक्ष्मीकांत की बुक्स के, आपको जितने भी 20-21 लेक्चर थे सभी के सभी नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिए। लेकिन इस सेक्शन का क्या बन जाता है, यहाँ पर जैसे अगर हम वो पढ़ेंगे एटमोसफियर टॉपिक पढ़ेंगे, ऐसे टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो वहां पर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा हैंड रिटन नोट्स जो होंगे, क्योंकि वो शायद वो टॉपिक में हैंड रिटन नोट्स आपको पढ़ाऊंगा, तो वहां पे आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये लो टॉपिक्स जैसे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ, वैसे वैसे आपको नोट डाउन करने पड़ेंगे, खुद इनके शॉर्ट नोट्स आपको खुद तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे मतलब पूरी बुक का निचोड़ ला के मैं आपके सामने लाता हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ। तो ये आपको खुद से नोट्स बनाने पड़ेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, आप उसके हिसाब से इसके नोट्स बनाते रहना, ठीक है। देखो अगर हम अफ्रीका की बात करेंगे, इसके बाउंड्रीज की बात करते हैं, अगर हम नॉर्थ की साइड अगर आप देखोगे, आपको मैप भी साथ में दिख रहा होगा, अफ्रीका के नॉर्थ में आपको मेडिटेरियन सी देखने को मिल रहा होगा। अगर हम समुद्र सी की बात करेंगे कौन सा था, मेडिटेरियन सी आता है। लेकिन कंटिनेंट की बात करेंगे ऊपर आपको वो दिख रहा होगा, यूरोप आ रहा होगा। तो नॉर्थ में मेडिटेरियन सी भी है और यूरोप भी है। अगर हम चलते नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ और ईस्ट की तरफ चलते, तो हमें क्या देखने को मिलता है वहाँ पे, वहाँ पे अगर कंटिनेंट की बात करेंगे एशिया हमको देखने को मिल जाएगा, और अगर इससे बीच में बाउंड्री की बात करेंगे स्विस कैनाल, रेड सी, ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है। अगर हम ईस्ट की तरफ चले जाएंगे या थोड़ा साउथ ईस्ट की तरफ चले जाओगे, इंडियन ओशन देखने को मिलेगा, और वेस्ट की बात कर लो या थोड़ा नॉर्थ साउथ वेस्ट वगैरह की बात कर लो, आपको अटलांटिक ओशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एक तरफ अटलांटिक ओशन है, एक तरफ इंडियन ओशन है, नीचे भी मतलब वही मिल रहे जाके, तो ऊपर की बात करेंगे मेडिटेरियन सी और यूरोप, और उस तरफ की बात करेंगे आपको सब कुछ मैप पे देखने को भी मिल रहा होगा, एशिया बात कर लो, ये बीच में रेड सी वाला पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है, ये सब कुछ आ रहा होगा यहाँ पे, किसी तरह की आपको डिफिकल्टी नहीं आ रही होगी, मैप में आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। अगर हम बात करेंगे, हम आपने इसके बारे में सुना ही होगा, हालांकि हमने तो आपको इंडियन ज्योग्राफी जो पढ़ाई थी पहले पहले क्लास 4 के टाइम पे तब आपको पढ़ाया भी था, अर्थ की बात करते हैं उसको दो हिस्सों में डिवाइड करता है, एक लाइन आती है दो हिस्सों में डिवाइड करती है, उसको 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर भी कहा जाता है। जो 0 डिग्री वाली लाइन है, जो लैटिट्यूड्स थे, और एक प्राइम मेरिडियन होता है हमारे पास 0 डिग्री वाला, जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जिस एक्सिस पे काट रहे हैं, जैसे एक ये लाइन और एक ये लाइन है, ये लैटिट्यूड वाली होगी या लॉन्गिट्यूड वाली होगी, 0 डिग्री वाली जहाँ पे काट रहे हैं वो कहाँ पे आता है, वो भी अफ्रीका के कंटिनेंट में
में ही आता है। जगह कौन सी है वो गल्फ ऑफ गियाना, जो गियाना भी बोल जाता है, गियाना भी बोल जाता है, प्रोनाउंसिएशन वगैरह कर लो, लेकिन आपको समझ आ रहा होगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जगह कौन सी जहाँ पे लैटिट्यूड से लॉन्गिट्यूड से काटते हैं, वो गल्फ ऑफ गियाना कहाँ पे आता है, ये अफ्रीका में ही आता है। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ रही होगी, इसमें भी किसी तरह का डिफिकल्टी नहीं रह रही होगी। जैसे हमने एशिया के बारे में पढ़ा था, क्योंकि हमने कहा था भाई हम एशिया में रहते तो एशिया को अच्छे से कवर करेंगे, इसलिए एशिया का दो पार्ट हमने समझा था। तो पहले पार्ट हमने एशिया का डिवीजन पूरा पढ़ा था, नॉर्थ एशिया में क्या आता है, साउथ एशिया में क्या आता है, ईस्ट एशिया में क्या आता है। उसी तरीके से आज के लेक्चर में हम इसको भी डिवाइड कर रहे हैं, अफ्रीका को भी डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने लेकर आए हैं, आपको वही याद करने हैं। देखो अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं, इसको एक तो हम बांटते हैं नॉर्थ अफ्रीका में, जो ऊपर की तरफ अफ्रीका हो गया नॉर्थ अफ्रीका, नीचे की तरफ साउथ है, एक वेस्ट है और ईस्ट है। कुछ सोर्सेज जो है वो इसको नॉर्थ ईस्ट में भी, एक सेंट्रल अफ्रीका भी आ जाता है, कुछ सोर्सेज इसको नॉर्थ ईस्ट में भी बांट लेते हैं, है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो एशिया को भी बांटा होता, सेंट्रल एशिया को भी बांटा होता और भी बांटा होता ना, इसको नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ सोर्सेज बांटते हैं, कुछ नहीं बांटते। हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेके चलेंगे, हम नॉर्थ ईस्ट भी यहाँ पे पढ़ लेंगे क्या क्या वहाँ पर आता है, इसमें किसी तरह का आपको डाउट नहीं रह रहा होगा। कंटिन्यू करते पहले आपको बताना चाहूंगा, ये आपको स्क्रीन में दिख भी रहा होगा, 4 से 7 फरवरी की बात करें, ओली बोर्ड की तरफ से जितने भी प्लान, चाहे वो अगर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करो, जूनियर असिस्टेंट की बात करो, आप सब इंस्पेक्टर की बात करो, पटवारी की बात करो, 35% उसमें ऑफ रहने वाला है। अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको वहाँ पे कोड यूज करना है, HNY कोड आपको यूज करना है, और आपको 35% ऑफ मिल जाएगा। 4 से लेकर 7 फरवरी तक ये ऑफर चलने वाला है ओलीवुड की तरफ से। आगे कंटिन्यू करते हैं, आपको स्क्रीन में सब कुछ दिख भी रहा होगा। हाँ ठीक, ओके है। यहाँ पे पहले बात करते हैं हम, यहाँ पे एक सेकंड रुक जाओ यार, नॉर्थ अफ्रीका की बात कर लेते हैं। नॉर्थ अफ्रीका के देखो कौन से कंट्रीज हैं, इंपॉर्टेंट कंट्रीज आपको कवर करनी है, शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, लेकिन वो ट्रिक आपको लिखनी पड़ेगी, उन कंट्रीज के नाम भी लिखने पड़ेंगे तब भी आपको याद होगा, वरना इतनी सारी ट्रिक्स बन जाएंगे आप क्या ही याद रख लोगे, है ना। तो आपको सब कुछ समझना भी पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। नॉर्थ अफ्रीका की बात करेंगे, कौन सी कंट्रीज आती हैं, इसको याद करने का तरीका हमने बनाया है मैटलेस। भाई नॉर्थ साइड है, ऊपर की तरफ मैट कैसे बिछेगा, मैट तो नीचे की तरफ बिछता है ना, तो नॉर्थ जो है वो मैटलेस है, वहाँ पे मैट है ही नहीं है। एशिया का सारा कुछ आप समझ चुके हो, आप एशिया को हम अलग कर रहे हैं, यहाँ की ट्रिक्स नहीं बना रहे हैं। तो अफ्रीका का नॉर्थ, नॉर्थ तो मैट बिछ नहीं सकता, तो नॉर्थ क्या होता है, मैटलेस, वहाँ पे मैटलेस वो मैट के बिना है, है ना। तो एम से बन गया हमारे पास मोरक्को, ए से बन गया अल्जीरिया, टी से बन गया टूनिशिया, एल से बन गया लीबिया, ई से इजिप्ट और एस से सूडान बन गया। तो मैट लेस है, तो आपको अगर एग्जाम में पूछेगा लीबिया कहाँ पर आता है, हालांकि अफ्रीका में आता है, अगर पूछेगा अफ्रीका के कौन से पार्ट में आता है, तो विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, ऐसे अगर पूछ लेगा आपको सभी कंट्रीज के नाम पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट। तो आपको बताया मैट लेस है, मोरक्को बता दिया, अल्जीरिया बता दिया, टूनिशिया बता दिया, लीबिया बता दिया, इजिप्ट बता दिया, सूडान बता दिया, मैट लेस आपको समझ आ गया। आपने जो जहाँ पे नोट्स बना रहे हो वहाँ पे लिखो मैट लेस, और एम से क्या है, ए से क्या है, टी से क्या है, इस तरह से नोट्स बना दो, आपको नॉर्थ अफ्रीका के ये कंट्री समझ आ रहे होंगे। हो सकता है मैं इमेज भी वहाँ पर ऐड कर दूंगा, वहाँ से आपको और समझ आ रहा होगा कौन सी कंट्री कहाँ पर लोकेटेड है। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं साउथ अफ्रीका की तरफ, साउथ नहीं, साउदर्न अफ्रीका, अफ्रीका का नॉर्थ पढ़ लिया, अफ्रीका के नॉर्थ पोर्शन, साउथ पोर्शन की तरफ चलते हैं, वहां पर क्या क्या आता है। यहां की ट्रिक क्या बनाई है, काम जेन एस, हमने कहा नॉर्थ में तो मैट ही नहीं है, वो मैटलेस है, तो शांत हो जाओ, हम जेन गाड़ी में एस यानी कि साउथ की तरफ जाएंगे। काम, शांत हो जाओ, हम जेन गाड़ी में साउथ की तरफ जाएंगे, क्योंकि नॉर्थ तो मैटलेस है, हमने वहाँ रहने ही नहीं है, हम साउथ में जाएंगे, तो काम, शांत हो जाओ, हम जेन गाड़ी में साउथ की तरफ जाएंगे। इस तरह से कर सकते हो, बाकी आपका अपना तरीका, जैसे मर्जी करो। सी से बन गया कॉमरोस, ठीक है, ए से बन गया एंगोला, एल से बन गया लिसोथो, एम से बन गया मेडेस्कर की बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे एम से मलावी भी आता है, एम से यहाँ पे मॉरिशस भी आ जाएगा, एम से मोजम्बिक भी आ जाएगा। तो एम से कई सारे नाम आ रहे हैं, हालांकि इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूंगा फिर से, अभी आपको अगर आपने पैलेस के बारे में पढ़ा होगा थोड़ा सा डाउट रह रहे होंगे, वो भी क्लियर करूंगा। तो सब कुछ क्या आ गया, एम से कितने सारे नाम आ गए, शांत हो जाओ, ये काम में, एम से कितने सारे नाम आ गए, जेड से जाम्बिया आ गया, जिम्बाब्वे आ गया, जाम्बिया आ गया, जिम्बाब्वे आ गया, दूसरा इस वेटैनी नमीबिया और साउथ अफ्रीका, ये तो डिफिकल्टी रहेगी नहीं, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे या जाम्बिया वगैरह, मोजम्बिक वगैरह कहाँ आ रहा है, ये साउदर्न अफ्रीका में देखने को मिलता है। तो शांत हो जो, जेन गाड़ी में हम साउथ की तरफ जा रहे हैं, आपको ये भी समझ आ गया। नॉर्थ का बोलता था मैटलेस है, और साउथ के टाइम पे बताया काम, शांत हो जाओ, जेन गाड़ी में साउथ की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से कंट्रीज का आपको नाम भी समझ आ रहे होंगे, हो सकता है आपको कुछ नाम याद भी हो गए होंगे।
इसी तरीके से आगे चलते हैं, हम बात करते हैं सेंट्रल अफ्रीका की। जब हम बात करते हैं सेंट्रल अफ्रीका की तो यहाँ पे कौन से देश आ रहे हैं, अंगोला। यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल ए बी सी डी ई करके करना है आपको। ये ए देखने को मिल रहा है, बी देखने को मिल रहा है, सी है, फिर डी है, फिर आर आपको देखने को मिल रहा है। तो मतलब ए बी सी डी वाली सीक्वेंस चल रही है। ए से एंगोला, बी से बुरुंडी, कैमरॉन, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चैड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर एक इक्वेटोरियल गवाना, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये इस तरह से नाम है। हालांकि जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता है नॉर्थ अफ्रीका या साउथ अफ्रीका का एक और आएगा वो इंपॉर्टेंट है, बट सेंट्रल अफ्रीका में क्या क्या आता है ए बी सी डी वाली सीक्वेंस बताइए, आपको वो भी याद करनी पड़ेगी। तो नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, सेंट्रल देख लिया। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए इस साइड वाला क्वेश्चन है, हमने वो भी कवर करना है, पहले हम अभी ये कवर कर रहे हैं। अगर हम आगे बात करते हैं सेंट्रल अफ्रीका के बाद हम चलते हैं यहाँ पे ईस्ट अफ्रीका की बात करते हैं। तो ईस्ट अफ्रीका में आपको क्या देखने को मिल रहा है, इथोपिया आपको देखने को मिल रहा है, कीनिया आपको देखने को मिल रहा है, सूडान आपको देखने को मिल रहा है, युगांडा आपको देखने को मिल रहा है, साउथ सूडान आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको एक तरफ हमने बताया साउदर्न अफ्रीका, एक तरफ आपको बता रहा हूँ ईस्टर्न अफ्रीका। तो कुछ कंट्रीज का नाम यहाँ भी देखने को मिलेगा, कुछ कंट्रीज ये जो है ना ये ईस्ट में भी आ जाएंगी, दूसरे हिस्से में भी आ जाएंगी। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई ये थोड़ा सा ना जैसे वो एक आप अफ्रीका का मैप देख रहे हो किस तरह का मैप देखने को मिल रहा है, कुछ के द्वारा क्लेम कर देता है हमारा है, कुछ के द्वारा क्लेम कर देता है हमारा वाला पार्ट है, समझ गए। इस तरह से हमारे इंडिया चाइना का इशू चलता है, वैसे वहाँ पे भी चलता रहा थोड़ा बहुत, तो आगे पीछे वाले चलते रहते हैं, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने लिखवाया उस तरीके से याद करो तो भी काम आपको चल जाएगा। ईस्ट अफ्रीका की बात करते हैं, ईस्ट अफ्रीका में आपको बता दिया, देखो ईस्ट अफ्रीका की ट्रिक कुछ नहीं बताई, ई से ईस्ट है तो ई से इथोपिया है, तो इसे रिलेट कर लेना इथियोपिया, कीनिया, सूडान, युगांडा, साउथ सूडान, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हर जगह ट्रिक आप कर भी नहीं पाओगे, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप चाहते हो ये वाला क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग करना है या तो आपको मैप को एक एक करके देखना पड़ेगा कि जहाँ पर ट्रिक हो सकती है ट्रिक बनानी पड़ेगी, वरना आप इसको कवर नहीं कर पाओगे, बड़ा डिफिकल्ट रह जाता है। बार बार पढ़ते रहोगे तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर इस क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी आप भी देगी तो टेंशन मत लें, जितना आपको हो रहा है समझ उतना कवर कर लो, बाकी इस वाले क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना, ठीक है। आगे ईस्ट अफ्रीका के बाद हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका की। अब देखो जो ईस्ट अफ्रीका में है और नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में यहां पे भी कुछ कंफ्लिक्ट रहता है। अगर आप ईस्ट अफ्रीका, अगर आप अफ्रीका को नॉर्थ ईस्ट में बांटोगे नहीं तो वो क्वेश्चन ईस्ट में माना जाएगा ना, तो इसलिए ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में भी डिफरेंट सोर्सेज में डिफरेंट डाटा यूज करा होता है। तो हमने ईस्ट अफ्रीका, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका को थोड़ा अलग कर दिया है और डिस्ट्रीब्यूशन हमने वहां पे कर दिया हुआ है। अगर नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, जो जो ईस्ट में आ रहा है जो भी नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है वो अपने आप ईस्ट में चला जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या आता है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ अफ्रीका में जनरली हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिसे कहा जाता है वो सारे नेशंस आ जाएंगे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहा जाता है, इथोपिया, एरिटेरिया, सोमालिया, डिजिबोटी, ये सारे कहाँ पे आते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर आते हैं, और ये सारा पोर्शन किसके अंदर आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका के अंदर आ जाएगा। अगर नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका को हटा देंगे, ये सारी कंट्री जो बताया हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये सीधे सीधे कहाँ पे चल जाएगा, ईस्ट अफ्रीका के अंदर चल जाएगा। आपको इतना समझ आ गया ना, अगर हमने एक और डिविजन कर ही दिया है इसका तो हमने इसीलिए अलग कंट्रीज बना दी हैं इसकी, वरना सब कुछ एक ही में चल जाएगा। जैसे इंडिया है, अगर हम बोलेंगे एशिया में इंडिया आता है तो भाई अगर हम बोलेंगे हरियाणा कहाँ पे आता है या कन्याकुमारी कहाँ पे आता है, हम बोलेंगे इंडिया में आता है। लेकिन जब इंडिया को हम साउथ ईस्ट वेस्ट कर लेंगे सभी कंट्रीज आगे पीछे हो जाएंगी, वैसे यहाँ पर भी किया हुआ है, ज़्यादा टेंशन मत लेने की जरूरत नहीं आपको यहाँ पे। और लास्ट में वेस्ट अफ्रीका की बात करेंगे तो वेस्ट अफ्रीका में लिबेरिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, सेंट हेलेना, ये सारी कंट्रीज आ रही हैं। टेंशन मत लो, अगर डिफिकल्टी वगैरह हो रही है इस पोर्शन को स्किप भी कर सकते हो, ये वाला पोर्शन आपको बताया है, हालांकि इस पोर्शन पर फोकस करना। अगर हम बात करेंगे अफ्रीका कंटिनेंट की, इसका सबसे ऊंचा पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट या पीक कह लो वो कौन सी है, माउंट किलिमंजारो। कई सारे एग्जाम में बड़े बड़े रिपीटेड क्वेश्चन है, माउंट किलिमंजारो जो है वो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, ये सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है, माउंट किलिमंजारो कहाँ पे आता है, अफ्रीका के तंजानिया वाले साइड में आता है। इसकी हाइट जो है 5895 मीटर की हाइट आती है। तो आपको समझ रहा होगा हमारे हिमालय कहाँ पर है, तो ये भाई इनकी हाईएस्ट कहाँ पर है, 5895 तक जा रहे हैं अगर हम बात करें माउंट किलिमंजारो की, जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। इसका सबसे छोटा पॉइंट की बात करेंगे, लोएस्ट पॉइंट की बात करेंगे, जो सी लेवल से भी नीचे जा रहा है, वो कौन सा वाला है, लेक एसल, इसे हनी लेक भी कहा जाता है, -155 मीटर सी लेवल से 155 मीटर नीचे जाता है, और कहाँ पर है, डिजिबोटी की बात करेंगे। तो हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, माउंट किलिमंजारो, और लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, लेक एसल, जिसे हनी लेक भी कहा जाता है। तो इसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, इसका लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, वो आपको क्लियर हो गया, उसमें किसी तरह की डिफिकल्टी नहीं रहेगी। मतलब सी लेवल से सबसे ऊपर जाना है और सी लेवल से सबसे नीचे जाना है, वो एक्सट्रीम पॉइंट आपको बता दिए।
अब यहाँ पे कई सारे माउंटेन रेंजेस हैं, हो सकता है एग्जाम में पूछ जाए, बताओ ये जो माउंटेन रेंज कहाँ पर आती है वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम एटलस माउंटेन रेंजेस की बात करेंगे वो कहाँ पर आते हैं, वो यहाँ पे अफ्रीका में आ जाएंगे। अगर ड्रैक्सनबर्ग की बात करेंगे या इथोपियन प्लेट्यू की बात करेंगे या न्यूबा रेंज की बात करेंगे, सिमिन रेंज की बात करेंगे, मर्रा रेंज की बात करेंगे, ये सारे माउंटेन रेंजेस कहाँ पे देखने को मिलेंगी, अफ्रीका में देखने को मिलेंगी। अब मैं आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं करवा रहा, खाली इतना बता रहा हूँ कौन सी माउंटेन रेंज कहाँ कौन से कंटिनेंट में आ रही हैं, आपको सारा पता होना चाहिए माउंटेन रेंज कौन से कंटिनेंट में आती हैं। ये सारी माउंटेन रेंजेस कहाँ की होगी, अफ्रीका की होगी। डेजर्ट्स की बात करेंगे, यहाँ के इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स कौन से हैं, सहारा डेजर्ट हो गया, ये नाम तो आपने सुना ही होगा सहारा डेजर्ट, भाई ये कहाँ पर है, ये अफ्रीका में आता है। और कई सारे डेजर्ट्स यहाँ पर, जैसे कलहारी है, कारो है, दनाकुल, चलबी, नमीबी, ये सारे डेजर्ट्स कहाँ पर आ जाते हैं, अफ्रीका में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ का जो सहारा डेजर्ट है वो सबसे बड़ा है अफ्रीका में। और वर्ल्ड की बात करेंगे, वर्ल्ड का सबसे हॉट डेजर्ट कौन सा है, सहारा। वर्ल्ड का सबसे हॉट डेजर्ट कौन सा है, सहारा है, जो कि सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है। तो ये सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट सहारा कहाँ पर आता है, अफ्रीका में आता है। और अफ्रीका का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, वो सहारा ही है, इसमें किसी तरह की डिफिकल्टी नहीं रहेगी। यहाँ पे कैसे नदियाँ भी हैं कुछ इंपॉर्टेंट भी, जैसे नाइल रिवर आप सुनते हो, है ना, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। पहले पहले तो नाइल को कहा जाता है कि सबसे बड़ी रिवर है ये, नाइल रिवर सबसे बड़ी रिवर है, लेकिन बाद में पता लगा अमेजन जो है वो इससे भी बड़ी है, अमेजन रिवर जो इससे भी बड़ी है, अब नाइल जो सेकंड नंबर पे आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी रिवर, सेकंड लार्जेस्ट रिवर कहाँ पर आती है, अफ्रीका में आती है नाइल। लेकिन अफ्रीका की सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है नाइल ही हो जाएगी। कॉन्गो रिवर, इसके बारे में पढ़ेंगे कुछ देर के बाद, नाइजर हो गया, ये जम्बाजी हो गया, ऑरेंज रिवर हो गया, ये सारी कहाँ पर हैं, सारी की सारी अफ्रीका कंट्री में आपको देखने को मिलती हैं। उसी तरीके से अगर हम नॉर्थ अफ्रीका की बात करेंगे, हाँ ये आपको बता दिया इसके बारे में ना, नाइल रिवर के बारे में। लेक्स की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट लेक की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो विक्टोरिया लेक है वो यहाँ की सबसे बड़ी है। और कई सारे लेक्स की बात करेंगे, ये तंगानिया लेक है, या फिर ये न्यासा लेक है, अल्बर्ट लेक है, चैड लेक है, ये सारे लेक्स का कुछ इन्फॉर्मेशन बेसिक से आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। यहाँ की इंपॉर्टेंट लेक्स कौन से आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ, कुछ इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा आपको। अगर टाइम होता, अगर हमारे पास ज़्यादा टाइम होता तो हम और, लेकिन उससे वीडियो लेक्चर बड़े बन जाते, जो जैसे यहाँ की सबसे बड़ी लेक है, यहाँ की सबसे बड़ी डेजर्ट की और इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा देता तो वो और बेटर रहता। लेकिन अभी टाइम को देखते हुए इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दे नहीं रहा हूँ, शॉर्ट में टू द पॉइंट जितनी इन्फॉर्मेशन बेटर रहती है वो सारे प्रोवाइड करने का मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो ये लेक्स का आपको समझ आ रहा होगा कौन सी लेक है, यहाँ पे सबसे बड़ी लेक कौन सी है, विक्टोरिया, सबसे बड़ा अफ्रीका की बात करूँ, सबसे बड़े माउंटेन रेंज एटलस, सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा, लोएस्ट पॉइंट कौन सा समझ आ गया, सबसे बड़े डेजर्ट कौन सा है, सबसे बड़े रिवर कौन से, सबसे बड़े लेक कौन से आपको समझ आ गया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं अफ्रीका की, वो कंट्री जो सबसे बड़ी है एरिया के हिसाब से, यहाँ की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, वो है अल्जीरिया। समझ गए, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी कंट्री पूरे अफ्रीका कंटिनेंट में कौन सी है, अल्जीरिया। और सबसे छोटी कंट्री जो कौन सी है, सेशल्स है। इसके बाद थोड़ा डाउट रह रहा था, डिफरेंट सोर्स में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, तो विकीपीडिया को कंसल्ट किया, वहाँ से स्मॉलेस्ट कंट्री का जो एरिया वाइज है वो सेशल्स नाम देखने को मिला है। तो यहाँ की लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज कौन सी है, स्मॉलेस्ट कंट्री एरिया वाइज कौन सी है, वो भी आपको समझ आ गया होगा। ये सारे कुछ ज्योग्राफिकल फैक्ट्स हैं, क्योंकि मैं और भी फैक्ट्स आपके लिए ला सकता था अगर हम बात करते हैं अफ्रीका कंटिनेंट की, लेकिन हमारा सब्जेक्ट ज्योग्राफी वाला है ना, तो मैं इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फैक्ट्स यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम अफ्रीका के कुछ और एक्सट्रीम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, मेन लैंड वाले भी पूरे अफ्रीका वाले, जैसे इंडिया की हम बात करते हैं तो इंडिया का मेन लैंड आ गया जो पूरा मैप देखने को मिलता है वो सेंटर वाला। और हम पूरा इंडियन रीजन की बात करेंगे वहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप वगैरह भी हो जाएगा। तो एक मैं आपको बताऊंगा, जैसे ये वाला जिसमें हम अंडमान निकोबार को इंक्लूड नहीं करते, एक ऐसा पार्ट जहाँ पे अंडमान वगैरह को भी इंक्लूड कर लेते हैं। उसी तरीके से अफ्रीका भी दो तरीके से आ गया, एक मेन लैंड आ गया और एक पूरा अफ्रीका रीजन आ गया, जिसमें सब कुछ आ जाएगा अफ्रीका का। समझ गए, जैसे अगर हम यहाँ पे इंडिया लिखता तो इंडिया कौन सा था, जहाँ पे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप वगैरह सारे आइलैंड्स भी आ जाते, वो पूरा इंडियन यूनियन जो होता है उसको हम बोलते हैं, वो यहाँ पे बन जाता। समझ गए ना क्या कहना चाहता हूँ मैं यहाँ पे। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स बात करते हैं, अगर हम अफ्रीका के मेन लैंड की बात करेंगे, यहाँ के एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन से हैं, यहाँ का जो नॉर्दर्न पॉइंट है सबसे, मतलब नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, साउदर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न वेस्टर्न पॉइंट, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, रस बिन साका ट्यूनीशिया में है। समझ गए, ये कहाँ पर है, इसका नॉर्दर्न पॉइंट कहाँ पे है, ट्यूनीशिया में है,
रैस बिन साकर। यहाँ पे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। यहाँ पे कहा जाता था पहले पहले कि यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड कर, माइनस नहीं मतलब 50 डिग्री सेल्सियस या कुछ ऐसे 58 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड कर गया था। कहा गया था कि वर्ल्ड का सबसे हाइस्ट टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर है, अफ्रीका में है। तो ये बहुत मतलब वो फैक्ट भी बुक्स में लिखा होता था, लेकिन वो बाद में पता लग गया था कि वहाँ पर जो टेम्परेचर रिकॉर्ड करा गया था वो इंस्ट्रूमेंट के कुछ डिफेक्ट्स थे, उन डिफेक्ट्स की वजह से वो टेम्परेचर नो डाउन करा गया था। हालांकि ऐसा सच नहीं है, तभी वो लाइंस में यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा कि सबसे हॉटेस्ट टेम्परेचर यहाँ पर है इस पॉइंट का है, क्योंकि वो जो 50 पॉइंट कुछ आप देखते हो अगर आपने सुना होगा उसके बारे में, वो कुछ डिफेक्ट थे इंस्ट्रूमेंट जिसे मेजरमेंट करी गई थी, उस डिफेक्ट्स के कारण वहाँ पर वैसा टेम्परेचर शो हो रहा था। बाकी वो जब हम दूसरे कंटेंट के बारे में पढ़ेंगे तो हम उस टॉपिक पर आएंगे। इसका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, यानी कि बिल्कुल ऊपर की तरफ जाओगे वो पॉइंट कौन सा आता है, ये था हमारे पास हाईएस्ट पीक, मतलब सी लेवल से सबसे ऊपर वाला पोर्शन और सी लेवल से सबसे नीचे वाला पोर्शन। अब हम अफ्रीका कंटिनेंट का नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। नॉर्थ पॉइंट कौन सा यहाँ का, रेस बिन साका, जो कि टूनिशिया में आता है, अगर समझ। दूसरी अगर हम बात करते हैं यहाँ का साउथ पोर्शन की बात करेंगे, साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, केप एगुलस, ये कहाँ पर है भाई, साउथ में साउथ अफ्रीका याद करें ना, साउथ अफ्रीका में आता है केप एगुलस। आगे यहाँ का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट बात करेंगे वो कौन सा जगह, केप वर्डे, केप वर्ड भी इसका नाम है, दो तीन नाम है इसके, कुछ कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना, कैप से याद रहना, कैप वर्ड भी हो सकता है, वर्डे पेनिनसुला कुछ भी हो सकता, एक ही नाम है वोला, ये सेनेगल कुछ जगह वहाँ पर पड़ता है। तो आपको नॉर्दर्न भी समझ आ गया, इसका साउदर्न पॉइंट भी समझ आ गया, इसका वेस्टर्न पॉइंट भी समझ आ गया। अब इसके ईस्टर्न पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो कौन सा है, रैस हैफन। यहाँ पे दो तीन तरह के नाम, चाइनीज नाम भी आता है, XX से भी स्टार्ट हो गया, XXAFUN भी स्टार्ट हो जाएगा, HAXSUN भी स्टार्ट हो जाएगा, तो जो भी नाम रिलेट कर रहा होगा इनसे वो ऑप्शन में टिक कर देना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है, साउदर्न पॉइंट कौन सा है, वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है, ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है, ये सोमालिया में देखने को मिलेगा, समझ गए। नॉर्दर्न पॉइंट आ गया समझ, साउदर्न आ गया, वेस्टर्न आ गया, ईस्टर्न आ गया। इसको सिंपल तरीका क्या करने का, आप ये बना दो अफ्रीका, जब नोट्स बना रहे हो या पे लिख दो अफ्रीका, या फिर नॉर्दर्न पॉइंट है उसका नाम लिख दो, ईस्टर्न पॉइंट है उसका नाम लिख दो, इस तरह से नोट्स बनाना, ऐसे थोड़ा बोरिंग बन जाता है जैसे मैं बना रहा हूं, अगर इस तरीके से बनाओगे तो वो बेस्ट रहेगा, इस तरीके से पॉइंट्स लिख देना। ये हो गए मेन लैंड के। अगर हम पूरे अफ्रीका रीजन की बात करेंगे तो यहाँ का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा हो जाएगा, इलस डेस चाइनीस करके नाम आता है, ये भी टूनिशिया में आ जाता है, ठीक है। अगर कंट्री का नाम हो तो बेस्ट है भाई, टूनिशिया सीधा सा है, इसके एक्सट्रीम पॉइंट के नाम ने दिया हुआ है, चाहे वो पूरे अफ्रीका मेनलैंड की बात करो, टेरिटरी की बात करो, टूनिशिया ही सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट आने वाला है। या फिर टूनिशिया के अंदर कौन सा पॉइंट है वो मेंशन करेंगे। अगर साउदर्न पॉइंट की बात करेंगे तो या जैसे अगर हम मेन लैंड की बात करें केप एगुलस आ जाएगा, अगर हम मेन लैंड की बात नहीं करते पूरे अफ्रीका रीजन की बात करते हैं तो मैरिन आइलैंड जो है वो अफ्रीका का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हो जाएगा, समझ गए हो। आगे चलते हैं अफ्रीका का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, अगर पूरे अफ्रीका रीजन की बात करेंगे सेंटो एंटाउ हो जाएगा, हम अफ्रीका मेन लैंड की नहीं पूरे अफ्रीका टेरिटरी की बात करें तो क्या हो जाएगा, सेंटो एंटाउ हो जाएगा, क्लियर हो गया। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अफ्रीका का सबसे जो है वो वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है, समझ को ऐसे आ जाएगा, ऑप्शन में ये भी देखने को मिल जाए, ये भी देखने को मिल जाए, तो कौन सा टिक करोगे, ऐसे केस में आप ये वाला जो ऑप्शन को इसको टिक करोगे, क्यों, अगर वो स्पेशली मेंशन करेगा अफ्रीका मेन लैंड का पॉइंट बताओ तो आपने ये टिक करना है, अगर वो मेंशन नहीं कर रहा तो आपने इसी को टिक कर देना है। और अगर बोला अफ्रीका का वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है, उसमें यही ऑप्शन में नहीं हुआ, ये ऑप्शन में, तो आपको ऑब्वियसली बात है ये टिक करना पड़ेगा। अफ्रीका के ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करेंगे पूरे अफ्रीका रीजन की, तो वो मॉरिशस में आ जाएगा, जिसका नाम है रोड्रिक्स करके उस जगह का नाम आएगा, मॉरिशस में आ जाएगा। ये अगर आप पहली बार सुन रहे हो, पहली बार वीडियोस देख रहे हो इस तरह की वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है कि यार ये क्या है, ये कैसे याद रखूँगा, वो कैसे याद रखूँगा, लेकिन आप पहली बार देख रहे हो ना, तो पहली बार कोई नई चीज़ आपके सामने आएगी, और इसका जैसे इंडिया में कुछ होगा, अपने इंडिया के नाम सुने भी होंगे, लेकिन जब आप वर्ल्ड लेवल पर जा रहे हो पहली बार नाम सुनोगे तो दिमाग में होगा कैसे याद रखूँ, कैसे याद रखूँ, लेकिन टेंशन मत लो, जितना आप रिवाइज करोगे उतना बेटर वे में याद कर पाओगे, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे आसान बन जाएगा, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर कितना प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो आपको खुद देखने को मिल रहा होगा अफ्रीका को मैं इतना एक्सप्लोर करके वो समझा ही नहीं रहा हूं, बिल्कुल बेसिक आपको मैं एक्सट्रीम पॉइंट्स दिखा रहा हूं, कुछ फैक्ट्स, ज्योग्राफिकल फैक्ट्स बता रहा हूं और बेसिक इन्फॉर्मेशन बताया, उसमें भी मैंने आपको कह दिया छोड़ दो, अगर छोड़ना चाहते हो इतना पोर्शन कवर कर लेना, वो भी इनफ रहने बोला, तो आपको समझ आ रहा होगा जो बता रहा हूं आपके लिए वो इंपॉर्टेंट रह जाता है।
एक बात याद है, ये पढ़ाते पढ़ाते अभी कल परसों जो लास्ट टाइम वीडियो अपलोड करी थी, अफ्रीका एशिया कंटेंट का सेकंड पार्ट अपलोड करा था, उसमें शायद से 2 दिन का डिले हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि 2 दिन कोई वीडियो ही नहीं आई थी। आपको मैं जो एग्जाम में क्वेश्चन आते थे वो कवर करवा रहा था, इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन कवर करवाए थे, जो आपको मैं इंडियन पॉलिटी की सीरीज कवर करवाई थी उससे क्वेश्चन भी बनाए थे। तो 3-4 कमेंट मैंने देखे बच्चों के कि आप 2-3 दिन से ये नहीं बना रहे हो, वीडियो नहीं बना रहे हो, वो नहीं बना रहे हो। तो उन बच्चों को मैंने जब सर्च करके देखा अपने यूट्यूब सर्च इंजन में, तो देखा उनके किसी वीडियो में कमेंट नहीं थे। मतलब जब मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा था, डेली अपनी वीडियोस आ रही थी, उस टाइम पर कोई कमेंट नहीं आया। जब 1 दिन का डिले हो गया, हालांकि उस 1 दिन में भी कुछ ना कुछ कंटेंट आपको प्रोवाइड करा था, तो उस टाइम मैसेज कमेंट आना स्टार्ट हो गया कि वीडियो में डिले हो रहा है, वो हो रहा है। तो भाई तुम लोग तब कहाँ सोए होते जब मैं डेली वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तब ना वीडियो को शेयर करना ना कमेंट करना है, और जैसे 1 दिन का गैप आ गया अचानक से पता नहीं कहाँ से कूद गया, जाते नए नए नाम देखने को मिलते हैं। तो भाई जब मैं एक्टिव रहता हूँ तब भी कमेंट कर दिया करो। आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अब हम बात करते हैं इसका एक बड़ी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो अफ्रीका की आपको शेयर करने जा रहा हूँ। एक अकेला ऐसा कंटिनेंट है जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की बात करो, या इक्वेटर की बात करो, तीनों पास करते हैं। देखो मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे, हालांकि अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा बाद में जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, ये हमारा अर्थ आ गया, इसको सेंटर से डिवाइड किया, इक्वेटर हो गया, ठीक है। 23.5 डिग्री पे एक लाइन आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ में आती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये तीनों लाइन्स आपको देखने को मिल रहा होगा एशिया से पास कर रही है। तो ऐसा कौन सा कंटिनेंट है जैसे तीनों लाइन, बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, पहले पहले तो बड़ा पूछता था ऐसे क्वेश्चन वगैरह, एक ऐसे कंटिनेंट जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और अगर हम बात करें ये हमारा इक्वेटर वगैरह पास करता है, वो कौन सा है, वो अफ्रीका ही है। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ पे यूएन के अकॉर्डिंग अफ्रीका कंटिनेंट की बात करें, कितने कंट्रीज हैं यहाँ पे, 54 कंट्रीज हैं यूएन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे नाइल रिवर, यहाँ की सबसे बड़ी नदी जो इसकी हमने बात की थी, वर्ल्ड के सेकंड नंबर पे आती है, ये लेक विक्टोरिया से निकलती है, और विक्टोरिया लेक खुद में यहाँ की सबसे बड़ी लेक थी। लेक विक्टोरिया इसका ओरिजिन पॉइंट है, और जगह गिरती किस में, ये मेडिटेरेनियन सी पे। इसमें भी जब मैं क्वेश्चन चेक कर रहा था तो एग्जाम में कई बार आया नाइल रिवर का ओरिजिन क्या है, कहाँ पे ड्रेन करते, इसलिए मैंने पॉइंट एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर दिया है। बाकी जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जैसे सारा डेजर्ट था, ये था, उनकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करी, लेकिन जब मैंने देखा यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आपको मैंने ये पॉइंट भी करवा दिया हुआ है। तो यहाँ पे कॉन्गो रिवर की हमने बात की थी, यहाँ की पहली सबसे बड़ी नदी नाइल है, दूसरे नंबर कॉन्गो आती है। इसी कॉन्गो नदी की बात करें, इसका एक नाम हो रहा है ज़ियारा रिवर, सबसे मतलब वॉल्यूम के हिसाब से जहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी है, ऐसी नदी कौन सी अफ्रीका की जो वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ी है, वो कॉन्गो रिवर ही है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा इसके बारे में। सबसे बड़ा वाटरफॉल यहाँ का कौन सा, देखो लेक विक्टोरिया, सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है, विक्टोरिया फॉल्स है। और यहाँ पे जो टिगोला फॉल्स हैं, विक्टोरिया फॉल तो यहाँ पे सबसे बड़ा वाटरफॉल हो गया, जो सबसे ऊंचे वाटरफॉल है ना, मतलब टिगोला वाटरफॉल्स की बात करेंगे, ये जो वर्ल्ड में सबसे ऊंचे वाटरफॉल है उसमें सेकंड नंबर पे आता है कौन सा वाला, टिगोला। और ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, वो अफ्रीका में देखने को मिलता है। वर्ल्ड का सेकंड सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है, टिगोला फॉल, और कहाँ पे देखने को मिलता है, अफ्रीका कंटिनेंट में देखने को मिलता है। और इसको 6 टाइम जोन में इसको डिवाइड करा हुआ है अफ्रीका कंटिनेंट के, जैसे हमारा इंडिया है एक ही टाइम जोन में डिवाइड करा हुआ है ना, कि भाई हमारे इंडिया की बात करो, मैं पूरे एशिया की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे अफ्रीका की बात करेंगे 6 टाइम जोन में डिवाइड करा हुआ है। और जहाँ के आइलैंड्स की बात करें, कुछ खास आइलैंड यहाँ पे हैं, तो आइलैंड तो हैं लेकिन कुछ बड़े बड़े नहीं है, लेकिन एक जगह अगर हम बात करें मेडागास्कर की बात करेंगे, मेडागास्कर की बात करेंगे, ये जो है इसकी 4th पोजीशन आती है वर्ल्ड में, बड़े बड़े आइलैंड्स में 4th नंबर पर आता है, और सबसे बड़ा आइलैंड यहाँ का यही हो जाएगा। लेकिन बाकी जो 2nd नंबर पर सोकोट्रा आता है, इस तरह से और भी कई सारे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ का एक ही है, वो है मेडागास्कर, जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ 4th पोजीशन आती है इसकी वर्ल्ड में, ये भी आपको याद रखना जरूरी बन जाएगा। तो यहाँ से आपको जो अफ्रीका वाला पार्ट है वो आपको खत्म कर रहा हूँ, इसको तो हम नेक्स्ट कंटिनेंट की तरफ आएंगे, जल्दी से हम कंटेंट सारे कवर कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम जो बाकी लेक्चर्स हैं वो वगैरह कवर कर लेंगे। और जो आपको मैं बता चुका हूँ, मुश्किल से 1 हफ्ता और लगेगा आपको जो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वो सारा खत्म कर देंगे। अभी फिलहाल इंग्लिश को मैं रोक रहा हूँ, क्योंकि आपको है कि पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो जाए, तो पहले मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म करवा दूंगा। किसी भी तरह का डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछना, अगर वीडियो में किसी तरह की डिफिकल्टी लग रही है, कुछ लग रहा है कि हाँ ये है वो है, तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। थैंक यू, जय हिंद।